अंडर 19 विश्व कप में नेपाल की उम्मीदें हो गई खत्म। लगातार दो मुकाबले हार कर नेपाल की सुपर सिक्स में पहुंचने की उम्मीदें हो गई ध्वस्त। अब विश्व कप में महज रस्म अदायगी बाकी। न गेंदबाज चले, न बल्लेबाज, न कप्तान का बल्ला बोला, न गुलशन की गेंदबाजी परवान चढ़ी। आखिरकार दो मुकाबले हार कर नेपाल की अंडर 19 विश्व कप में नेपाल का सफर अब खत्म होने के मुकाम पर आ गया है। पहले न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल के खिलाड़ियों का फ्लॉप शो जारी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी साझेदारी बड़ी नहीं हो पाई। अन्यथा नेपाल अगर 20 रन और जोड़ लेता तो शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि नेपाल की तेज गेंदबाजी तो नहीं चली, लेकिन नेपाल के स्पिनर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। गुलशन झा एक बार फिर गेंद और बल्ले से फ्लॉप रहे। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुकाबले में नेपाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो फैसला तब गलत साबित हुआ जब इनफॉर्म ओपनर अर्जुन कुमार सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद आशीष त्रिपाठी भी चलते बने, लेकिन बल्लेबाज बिपिन रावल ने शानदार बल्लेबाजी की और 68 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। निचले क्रम के बल्लेबाज दीपक डुमरे ने भी 58 गेंदों में 26 रन बनाए। कप्तान देव खनल फिर अच्छी शुरुआत करके उसे बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। नेपाल की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो नेपाल की तरफ से आकाश चंद ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान के पैर उखाड़ने की कोशिश जरूर की। दीपेश कंडेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 विकेट हासिल हुआ। गुलशन झा ने 10 ओवर में 29 रन देकर कोई भी विकेट नहीं हासिल कर पाए। वो एक बार फिर से गेंद और बल्ले से पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नेपाल टीम के इस बदतर प्रदर्शन में अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो दो खिलाड़ी हैं, कप्तान देव खनल और गुलशन झा। दोनों के ऊपर टीम की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों फेल साबित हुए। यूं तो अभी नेपाल का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन टॉप 2 में जगह बनाने में अब नेपाल कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने 2 मुकाबले हार चुका है और न्यूजीलैंड अपने 2 मुकाबले जीत चुका है, पाकिस्तान भी अपने 2 मुकाबले जीत चुका है। ऐसे में नेपाल के विश्व कप का सफर अब एक मैच का बाकी है। भले ही नेपाल अपने दोनों मुकाबले हार गया हो, लेकिन नेपाल के युवा खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी उम्दा टीमों के साथ खेलने का अनुभव जरूर हासिल हुआ है। जिस तरह से टुकड़ों में ही सही नेपाल के कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर अर्जुन कुमार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एशिया कप से लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबलों तक उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बड़ी टीमों के साथ की गई गलतियों से नेपाल सबक सीखेगा और जल्द ही हार को जीत में बदलने का हुनर सीखेगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।